Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. इस बार ऐसा उपाय किया है मैंने कि संसार की कोई भी शक्ति राजन और उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाएगी। पंचांग और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार हमारे नन्हे राजकुमार का नाम माँ अक्षर से आरंभ होना चाहिए। हरी हरा हरी 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 हरी। राजगुरु, जब मुझे मेरा पुत्र मिला तब उसके कंठ में एक मणि थी जिसकी रोशनी के कारण मैं उसे ढूंढ पाया। और ये उचित भी है, माँ से मणि आरंभ होती है तो हमारे पुत्र के नाम के शब्द में मणि होना चाहिए। मणिकंठा 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 मणिकंठा। मणिकंठा मणिकंठा इस समय तो इसे मेरे पास आने दीजिए। राजकुमार मणिकंठा। मंत्री, राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार देखकर ये मंत्री बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये राजा और उनके शिशु के साथ सभी कांत कर देना चाहता है। वो देखे हम प्रभु मणिकंठा के नामकरण के अवसर पर किसी भी प्रकार का विघ्न होते हुए नहीं देख सकते। देवगण, आप सब हमारा साथ दीजिए, शेष कार्य हमारी वायु कर देगी। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। राजकुमार मणिकंठा की जय। अब शीघ्र अतिशीघ्र अग्नि की लपटों से भीतर भगदड़ मच जाएगी और ये जयकारे चित्कारों में परिवर्तित हो जाएंगे, चित्कारों में। और उसके पश्चात ये राज और ये सिंहासन
सब मेरा होगा, मेरा। ये द्वार कैसे खुल गया? ये तो हमने बाहर से बंद किया था। और ये सब इतने शांत कैसे हैं? राजकुमार मणिकंठा की जय! राजकुमार मणिकंठा की जय! मुझे विश्वास है अपने जयकारा के स्थान पर मेरे पुत्र को प्रभु हरिहरा का जयकारा अधिक भाएगा। प्रभु हरिहरा की जय! प्रभु हरिहरा की जय! प्रभु हरिहरा की जय! प्रभु हरिहरा की जय! हरिहरा 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 ओम स्वामी शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा। माँ कितना अच्छा हुआ प्रभु अयप्पा के नामकरण में कोई विघ्न नहीं आया। हाँ पुत्र, जब राजगुरु ने विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर कार्य आरंभ किया था तो फिर उसमें कोई विघ्न कैसे आ सकता था? और दुष्ट कितनी भी दुष्टता भरी योजना क्यों ना बना ले, जो होता है वो नियति के अनुसार ही होता है। मंत्री की योजना तो विफल हो ही चुकी थी, किंतु महिषी वो अभी भी अपनी योजना पर स्थिर। हरी हरा बोलो, हरी हरा, हरी हरा बोलो, हरी हरा, हरी हरा बोलो, हरी हरा, हरी हरा, हरी हरा, हरी हरा, हरी हरा। अब ये किसका स्वर? हरी हरा, हरी हरा। अस्त्र उठा तो लिए देवताओं, परंतु इसे चलाने का दुस्साहस मत करना। बस मेरी एक ही गर्जना से तुम्हारा साहस चूक गया देवताओं। अब मुख बने क्यों खड़े हो? बोलो देवताओं, क्या योजना बना रहे हो मेरे विरुद्ध? और ये भेस क्यों धारण किया था? और कौन है वो शिशु जिसके रुदन से मुझे विचलित कर रहे हो तुम? और कौन है ये हरिहरा? हम में से कोई अब तो मुख नहीं खोलेगा, क्योंकि प्रभु अभी शिशु रूप में है। ये उनकी पाल लीला का समय युद्ध का नहीं, इसलिए प्रभु की रक्षा हेतु हमारा मुख ना खोलना ही उचित होगा। ये अंतिम चेतावनी है देवताओं, अभी भी मुंह नहीं खोला तो मेरे बंदी बनोगे तुम सब। बोलो, बंदी बनना चाहते हो या अपना बंद मुख खोलना चाहते हो? नहीं बोलोगे तो सहोदन। अभी भी अवसर है देवताओं, मुझे अपनी योजना बता दो और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, नहीं तो मुक्त तो उसका दंड। शनिदेव,
अब तुम सभी देवता इसी प्रकार मेरे चरणों के तले रहोगे। जब जब मैं सिंहासन की ओर बढ़ूंगी, मेरे पैरों की धूल तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान स्मरण कराती रहेगी। जब तक तुम सब मुझे अपनी योजना नहीं बताओगे, ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। बोलो, कौन है हरिहरा और किसका रुदन था वो, बोलो। अले ले ले, अले अले ले। देखा महाराज, मेरा पुत्र भी अपनी माँ से एक क्षण के लिए दूर नहीं होना चाहता। हमारे जीवन को हर्षोल्लास से भरने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। महिषी हरिहरा के अंश के बारे में जानना चाहती थी। एक अज्ञात शंका ने उसके नेत्रों से नींद को ओझल कर दिया था। और वही दूसरी ओर मणिकंठा रानी की आंचल की छाव में सुख की निंद्रा में लीन। अब बहुत देर हो गई है, तुम्हारे भी सोने का समय हो गया। किंतु माता, अभी तो। चिंता मत करो पुत्र, शेष कथा मैं कल सुनाऊंगी। आओ पुत्री। मेरी जिज्ञासा मुझे सोने नहीं देगी। ओम स्वामी शरणमयप्पा, ओम स्वामी शरणमयप्पा। रश्मि सो रही है, इसे यही रहने देता हूँ। ओम स्वामी शरणमयप्पा, 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 ओम स्वामी शरणमयप्पा। नमामि स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी ओम स्वामी शरणमयप्पा। पिताश्री कितनी निष्ठा से ये कठिन व्रत कर रहे हैं। हाँ पुत्र, ये व्रत जितना कठिन है उतना ही महत्वपूर्ण और फलदायक भी है। जिसका पूर्ण ज्ञान तुम्हें कथा का अंत सुनकर ही होगा पुत्र। प्रणाम माँ। ओम स्वामी शरणमयप्पा। तुम बताइए ना आगे क्या हुआ। फिर वो शिशु थोड़ा बड़ा हुआ और एक बुद्धिमान और सुंदर बालक बनने लगा। आओ पुत्र आओ। ओम
हरेश्वराय नमः। ओम हरि 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 हरेश्वराय नमः। आपका पुत्र मणिकंठा हरि के लिए उनके प्रिय कमल पुष्प और हरा के लिए बीरपत्र के साथ उपस्थित है। ओम हरि हरेश्वराय नमः। ओम हरि हरेश्वराय नमः। चूंकि हमारा पुत्र मणिकंठा अब आ चुका है, इसलिए पूजा का शुभारंभ अब यही करेगा, है ना पुत्र? सिंहासन पाना इतना आसान नहीं है महामंत्री। जब से ये बालक इस घर में आया है, एक भी अवसर नहीं मिला है मुझे। पहले इस बालक को यहां से दूर करना होगा, फिर मिलेगा अवसर राजा पर प्राण घाती वार करने का। वाह वाह महामंत्री वाह। बस तनिक इनकी पूजा पूरी हो जाए। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। अद्भुत अद्भुत महाराज अद्भुत अद्भुत। राजकुमार मणिकंठा अपने कर्तव्य निभाने में कितने कुशल हैं। अनुपम अनुपम। पूजा विधि तो महाराज महारानी की भांति ही करते हैं। उचित कहा आपने, मेरा बुद्ध असाधारण है। सत्य वचन महारानी सत्य वचन। इसीलिए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कहिए महामंत्री जी। हमें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमार अब शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल के लिए प्रस्थान कर सकते हैं महाराज। बहुत ही उत्तम सुझाव दिया है महामंत्री जी। ये विचार कुछ समय से हमारे मन में भी घुमड़ रहा है। हमें शीघ्र ही ऋषिवर गुरुनाथन को सूचित करना चाहिए। नहीं महाराज, मेरा पुत्र असाधारण है तो क्या, अभी ये अबोध बालक है और इसकी आयु गुरुकुल जाने की नहीं है। हर माँ का हृदय ऐसा ही होता है।
उसकी दृष्टि में उसकी संतान सदैव अबोध बालक के समान ही होती है। आप चिंता नहीं करें महारानी, आपका पुत्र गुरुकुल जाकर और योग्य हो जाएगा। हाँ माँ, सत्य ही कहा पिताश्री ने। मैं अबोध बालक नहीं, बड़ा हो गया हूँ। फूल और बिलपत्र की टोकरी में सरलता से उठा सकता हूँ। अब मुझे अनुमति दीजिए गुरुकुल जाने की। सत्य कह रहे हैं राजकुमार मणिकंठा। नहीं पुत्र, अनुमति कैसे दे दूं पुत्र? एक माँ का हृदय एक माँ ही समझ सकती है। बिना संतान के माँ की स्थिति क्या होती है? यदि वो उसके साथ ना हो तो माँ कितनी अकेली पड़ जाती है। और मैं अकेली नहीं रहना चाहती पुत्र, नहीं रहना चाहती। नहीं माँ, अब कदापि अकेले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि शीघ्र मेरा भ्राता जो आने वाला है। प्रसव भ्राता उत्पुनाम्यच्छित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है, कोई भी व्यक्ति इसका निर्धारण नहीं कर सकता।